पूरी दुनिया में दहशत इस बात से हो गई है क्योंकि ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में कोरोना के नए स्ट्रेन से हाहाकार। बड़ी खबर, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में कोरोना के नए स्ट्रेन से हाहाकार। बड़ी खबर, कल रात से ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में इमरजेंसी लॉकडाउन। कल रात से ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में इमरजेंसी लॉकडाउन। पिछले 24 घंटे में देश में 58,784 केस, 407 मौतें। ये इंग्लैंड की बात हो रही है। अमेरिका में हर 33 सेकंड में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो रही है। अमेरिका में हर 33 सेकंड में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो रही है। इंग्लैंड से इस वक्त मेरे साथ लंदन से जुड़े हैं युक्तेश्वर, जो कि वहां पर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, युक्ते एक्सपर्ट हैं बल्कि कई सारे इश्यूज पर। युक्तेश्वर जी, सबसे पहले इंग्लैंड के हालात पर अभी क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने शायद पता नहीं होगा, मैं यहाँ पे इलेक्टेड काउंसलर भी हूँ और भारत का पहला काउंसलर हूँ जो इलेक्टेड होके यहाँ पे समाज की सेवा करता हूँ। तो हमें पहले से पता चल गया था, करीब करीब कल भारत के समय अनुसार 3-4 बजे करीब में हमें पता चल गया था कि लॉकडाउन होने वाला है। लेकिन कल रात में यहाँ पे 8 बजे जो भारत का समय करीब करीब आज का सुबह 1:30 बजे, जो मेरे ख्याल में वो वर्स्ट पॉसिबल प्राइम मिनिस्टर एट वर्स्ट पॉसिबल टाइम पे ब्रिटेन के हो सकते हैं, बोरिस जॉनसन साहब ने लॉकडाउन की घोषणा की। हम लोगों ने और मैंने खुद ही कितनी चिट्ठियां उनको लिख रहे थे, जो स्कूल का एसोसिएशन है, क्योंकि मैं वैसे तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ पर हमारी स्कूल भी हमारे अंडर में आता है, हमारे दोस्त हैं उनके अंडर में ये जो काम आता है हमारे काउंटी का, तो हम लोगों ने काफी सारी चिट्ठियां लिखी उनको जो स्कूल के। मुझे ये बताइए अभी इंग्लैंड के हालात क्या है, मुझे हालात बताइए वहां पर क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या कह रही है युक्तेश्वर जी? रिपोर्ट यही कह रही है कि सब कुछ लॉकडाउन है, अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको 200 पाउंड का फाइन होगा, जिसका मतलब 20,000 रुपये हुआ। अगर आप बार बार करेंगे तो 6,400 पाउंड, मतलब करीब करीब 6,04,000 का फाइन हो सकता है। अगर आप शादी में भी यहाँ पे, जी आप जो बता रहे हैं, ये फाइन हो सकता है।